अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान अली और आप देख रहे हैं फुली फाइव वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। वेलकम टू माय वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि हमारे टोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इनडोर के डिस्प्ले पर बहुत ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमन एरर कोड्स E10 जो एरर कोड है, ये हमारे टोशिबा कंपनी के एयर कंडीशनर के इंडोर के डिस्प्ले पर किन पार्ट्स के मिस या ख़राब होने की सूरत में शो होता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो छोटी सी है लेकिन इंतहाई मालूमती वीडियो है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक वॉच करना और इसे कहीं से भी स्किप मत करना ताकि आपको इसकी सही से और अच्छे से समझ जो है वो आ सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानब और हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर में या आपके ऑफिस में टोशिबा कंपनी का एयर कंडीशनर लगा हुआ है और आपको इसके इंडोर के डिस्प्ले पर E10 का एरर देखने को मिलना शुरू हो गया है, तो फ्रेंड्स, जो इसका फॉल्ट है वो है इंडोर यूनिट पीसीबी फ्लेयर। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि हमारे एयर कंडीशनर में जो इंडोर यूनिट होता है, इस इंडोर यूनिट में जो पीसीबी किट लगी होती है, फ्रेंड्स, इस पीसीबी किट की जो पिक है वो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो इस कंडीशन में आपको इसके डिस्प्ले पर E10 का जो एरर है ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको इसकी इस पीसीबी किट में से कोई भी जो ट्रांसलेटर है, कैपेसिटर है, आईसीयू है, इनमें से कोई एक पार्ट्स भी ख़राब हो जाए, यानी कि इसमें से किसी भी किस्म का कोई भी पार्ट्स अगर मिस हो जाए या यहाँ से इसके पीछे से किसी भी जो जैक वगैरह लगे हुए हैं, इनके जो पीछे से शोल्डर है, अगर ये उतर जाए तो इन कंडीशन में भी आपको इसके डिस्प्ले पर E10 का ही जो एरर है ये देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको इसके इनडोर की पीसीबी किट को चेक करना होगा, इसमें जो फॉल्ट है वो आपको ट्रेस करना होगा और आपको इसे रिपेयर करना होगा। जब आप इसे ट्रेस कर लेंगे और आप इसे रिपेयर कर लेंगे और इसके बाद आप इसे दोबारा से अपने इंडोर के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे और अपने एयर कंडीशनर को ऑन करेंगे, तो यकीनन से हमारा जो टोशिबा कंपनी का एयर कंडीशनर है ये ऑन हो जाएगा और ये वापस अपने सही मोड में आ जाएगा और आपको इसके डिस्प्ले से E10 का जो एरर है ये रिमूव होता हुआ नज़र आएगा। तो ऐसे हमारा जो टोशिबा कंपनी का एयर कंडीशनर है ये अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, बस यही था मेरा आज की वीडियो का टॉपिक जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई मालूमात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।